शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार 26 सितंबर से हो चुकी है। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जा रही है। घर घर माँ की प्रतिमा, आरती और भजन के साथ मैया के जयकारे लगाए जा रहे हैं। नगर के सभी पंडालों में गरबों की धूम मची है और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बैठमा नगर स्थित अति प्राचीन माँ अन्नपूर्णा माँ अमन चमन मंदिर सहित नगर के विभिन्न पंडालों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया है। पंडालों में भी विशेष विद्युत साज सज्जा की गई है, जो बरबस ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सभी जगह आरती पश्चात गरबों की धूम बनी रहती है। नगर गरबामय हो चुका है। आवास कॉलोनी, मंत्री नगर, कचहरी घाटी, नर्मदा नगर सहित हर पंडाल में छोटी बड़ी बालिकाओं के साथ महिलाओं का गरबा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय माता दी। ग्राम धन्नर में जो माँ गौला की चुनरी आता कार्यक्रम हो रहा है, ये संपूर्ण सुखद हो यही आशा करते हैं। और गांव के सभी बुजुर्ग गणमान्य नागरिकों की वजह से ये काम सफल रहा है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जोर से बोलना भाई, जल्दी आज से छोड़ो। मेरा नाम कपिल सोलंकी, मैं युवा शक्ति के अध्यक्ष हूँ इंदौर जिले में। हमारे समाज में हर भाषा की तरह इस वर्ष की चुनौतियाँ निकाली गई है, क्योंकि समाज में विकास कार्यों के लिए और समाज के वर्ग को जोड़ने के लिए कार्य किया जाता है। और हर जिले में चुनरी आता है उसका कार्य किया जाता है। इस समाज के युवा पीढ़ियों को एक नई ऊर्जा मिलती है, निकाली जाती है समाज में। हमें तो नई प्रगति और उसके